Hello friends, welcome to Knowledge Shower. This is part 4 of our Constitution and Political System video. In this part, we'll discuss about Indian Constitution at glance, article and schedules. Important articles and schedules ke baare mein hum padhenge. Pehli cheez main aapko bata dun ki at present hamare 448 ke aas paas articles hain jo 25 parts mein divided hain aur 12 schedules hain. 101 amendment abhi tak propose hue hain. और लास्ट अमेंडमेंट जीएसटी को लेके था. सो आगे हम जानते हैं. सबसे पहली चीज मैं आपको आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताऊंगा जिस पे हम अपनी अगली वीडियोस में फोकस भी करने वाले हैं और जो आपको पढ़ना भी है. सबसे पहली चीज जो ऊपर के आर्टिकल्स है पार्ट 4 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसको पार्ट के साथ याद करना है. जैसे आर्टिकल 1-4 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कौन से पार्ट में है, पहले पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है. सिटीजनशिप जो है आर्टिकल 5-11 कौन से पार्ट में है, सेकंड पार्ट में है. उसके बाद फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है, थर्ड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12-35. उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से पार्ट में है, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36-51 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और एक और इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल वो है 51A फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976. और फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई थी, फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से ली गई थी. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 4A में दे रखा है. उसके बाद पार्ट 4 जो पार्ट 5 जो है वो है यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में दे रखा है 52-78. तो इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता दूं जो अभी तैयारी अभी उन्होंने स्टार्ट की है उनके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है 1-4 उसके बाद 5-11 यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है. 79-122 पार्लियामेंट के ऊपर है. यूनियन मतलब पार्लियामेंट हो गया और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो हो गया यूनियन का. और 52-78 क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है. उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट 123 में ये भी इंपॉर्टेंट है. यूनियन जुडिशियरी 124-147 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है. इसके बारे में हम आगे जरूर डिस्कस करेंगे. उसके बाद कंट्रोल एंड ऑडिटरी जनरल ऑफ इंडिया 148-151. उसके बाद आ जाती है फिर स्टेट की बारी. स्टेट जो है हमारा 6th पार्ट में कंटेंट है. 5th पार्ट में क्या है, यूनियन की बात करते हैं और 6th पार्ट में हम क्या करते हैं, स्टेट की बात करते हैं. तो ये स्टेट एग्जीक्यूटिव आ जाता है. स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या क्या है, गवर्नर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, एडवोकेट जनरल है और उसके बाद कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, ये सारी चीज़ें हैं. इसके बारे में भी हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो आगे देखिए हमारे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 213 दैट इज लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर. और आर्टिकल 168 से लेके 212 आर्टिकल 168 से आर्टिकल 212 क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर. और इससे पहले जो आर्टिकल था 153-167 वो क्या था, वो हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव था. स्टेट एग्जीक्यूटिव के बाद क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर, वो 168-212 है. उसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल 213 जो है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर. गवर्नर की पावर किस में डिफाइन है, वो है 213. और प्रेसिडेंट की पावर कहाँ डिफाइन है, प्रेसिडेंट की पावर डिफाइन है 123. सो आर्टिकल अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर का याद करना है तो कोई डिफरेंस नहीं, एक बार 2 को आगे ले आओ, दैट इज 213. 213 क्या हो जाएगा, हो जाएगा गवर्नर का. 213 क्या हो गया, 213 हो गया गवर्नर का. और एक बार फिर 2 को पीछे ले जाओ, दैट इज 123, वो किसका आ गया, प्रेसिडेंट का. सो ये छोटी सी ट्रिक है, याद कर सकते हैं. अब उसके बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. हाई कोर्ट का आर्टिकल ये कौन से में दे रखा है, ये दे रखा है 214 से लेके 231 हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, ये भी पूछा सकता है. और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 238, ये है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के द्वारा इसको रिपल कर दिया गया था. इस आर्टिकल को रिपल मतलब हटा दिया गया था. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट, ये जो तीन आर्टिकल जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये तीन का ये चार ही, ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. इनमें से क्वेश्चन पक्का बन सकता है. एक तो पंचायत का 243 से लेके 243O, उसके बाद 243P से लेके 243ZG दैट इज म्यूनसिपैलिटीज. और म्यूनसिपैलिटीज कब ऐड हुई थी ये भी क्वेश्चन बनेगा. पंचायत को हम आगे और डिस्कस करेंगे, कौन सी कमेटी बनी थी, किसके थ्रू क्या हुआ था कि पंचायत को इंट्रोड्यूस किया गया था, वो सारी चीज़ें हैं. तो ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में क्या था, म्यूनसिपैलिटीज़. और उसके बाद 243ZH से लेकर 243ZT तक,
ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसके बारे में पूछा जाता है। कब ऐड हुई थी? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। उसके बाद शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइब 244 से लेकर 244A, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट 245 से 263, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आता है 300A, राइट टू प्रॉपर्टी। पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो हमारा फंडामेंटल राइट था, बट बाद में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। मैं बाद में ये भी डिस्कस करूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 308 से लेके 323, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है वो है 323A से 323B, ये है ट्रिब्यूनल्स। क्वेश्चन बन सकता है ट्रिब्यूनल कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड हुआ था, वो ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। मैं अगली वीडियोस में आपको एक क्लम करने की कोशिश करूंगा एक जगह पे कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से आर्टिकल्स ऐड हुए थे जो आपको आगे हेल्प करेंगे, बट आगे वाले पार्ट्स में। इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 324 से 329A, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी आप याद कर लीजिए। ऑफिशियल लैंग्वेज 343 से 351 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो आर्टिकल है 352 से लेके 360, एमरजेंसी प्रोविजन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमरजेंसी प्रोविजन में तीन तरह की एमरजेंसी होती है, पहली नेशनल एमरजेंसी, उसके बाद आती है हमारी स्टेट एमरजेंसी, फिर आती है फाइनेंशियल एमरजेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन से आर्टिकल में है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 368 में। तो मेरा आज आपका आपसे एक क्वेश्चन है कि ये बताइए अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहाँ से प्रेरणा ली थी, कौन सा सोर्स था जहाँ से हमने उठाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होना चाहिए, किस सोर्स से, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। और उसके बाद हमारा एक आर्टिकल है 393 से 395, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आते हैं हम शेड्यूल्स पे, देखिए शेड्यूल्स 12 शेड्यूल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 12 शेड्यूल, आप 12 के 12 याद कीजिए। और इसमें से मैं आपको बता दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे हैं पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा। पहली चीज़ फर्स्ट शेड्यूल जो है टेरिटोरियल डिमार्केशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है टेरिटोरियल डिमार्केशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, कौन से शेड्यूल में है, फर्स्ट शेड्यूल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड जो शेड्यूल है वो है प्रोविजन एज टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, ये थर्ड शेड्यूल में दे रखा है। और उसके बाद फोर्थ शेड्यूल में हमारा है एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट हम कहते हैं राज्यसभा को, एलोकेशन ऑफ सीट्स फोर्थ शेड्यूल में। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से, कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से ये बोरो किया कि प्रेसिडेंट राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर सकता है नाम, और हमने कहाँ से राज्यसभा इलेक्शन के लिए, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ये बोरो किया कि राज्यसभा में इलेक्शन होना चाहिए वहाँ के लिए। तो आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ये मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन है। उसके बाद आता है फिफ्थ शेड्यूल हम बात करते हैं शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के लिए एंड अमेंडमेंट टू शेड्यूल्स, इसके बारे में हम बात करते हैं अमेंडमेंट टू शेड्यूल किस में दे रखा है, ये है फिफ्थ शेड्यूल में। उसके बाद क्या दे रखा है, फिफ्थ और सिक्स थोड़ा कोरिलेटेड है, बस मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ डिफरेंस करने के लिए। यहाँ पे शेड्यूल एरिया की बात हुई है, शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब एंड के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के बारे में बात हुई है। यहाँ पे क्या है प्रोविजन टू, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सिक्स शेड्यूल में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की जब बात हो तो वो आ जाता है सिक्स शेड्यूल में। सेवेंथ शेड्यूल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की बात की है कि यूनियन लिस्ट में क्या क्या आइटम्स आते हैं, क्या क्या उनके दायित्व हैं जो उनके अंडर होंगे, स्टेट के अंडर क्या क्या चीज़ आते हैं, और जो दोनों मिलके जो काम करेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा एट शेड्यूल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एट शेड्यूल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें लैंग्वेजेस की बात हुई है और
एक चीज़ और, लैंग्वेजेस हमारी 22 हैं, और लैंग्वेजेस के बारे में हम आगे बहुत अच्छे से एक वीडियो और भी बनाएंगे लैंग्वेजेस को लेके। उसके बाद 9th शेड्यूल आता है, 9th शेड्यूल जो है एलिड लॉ एंड रेगुलेशन सेव्ड फॉर जुडिशियल रिव्यू। तो ये क्वेश्चन 9th शेड्यूल से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आता है कि जुडिशियल रिव्यू हमारे कौन से शेड्यूल में है, तो वो है 9th शेड्यूल में जुडिशियल रिव्यू की बात। मेरा आपसे तीसरा क्वेश्चन है कि जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, इसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। उसके बाद आता है हमारा 10th शेड्यूल, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ये क्या है 10th शेड्यूल में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद 11th शेड्यूल, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी जा सकता है कि जो प्रोविजन फॉर पंचायत कौन से शेड्यूल में, 11th शेड्यूल में प्रोविजन फॉर पंचायत है। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि पंचायत के बारे में कौन से आर्टिकल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। 12th शेड्यूल, 12th शेड्यूल जो है प्रोविजन फॉर अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, शेयर अवर वीडियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और कमेंट ज़रूर कीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।